What color is your Bugatti? आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए खतरनाक गेम प्ले में। अब बहुत लोगों को पता होगा कि भाई गेम के अंदर एक न्यू बुगाटी की स्किन आई है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है और उसकी क्रेट ओपनिंग भी हम लोगों ने करी थी लाइव स्ट्रीम में। तो जिस दिन गेम प्ले नहीं आता उस दिन हम लोग लाइव करते हैं शाम को 7 बजे। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप लोग लाइव में आ जाया करो। पहले तो ये मैजिक देखो जहाँ पे हमारी बुगाटी हवा में उड़ रही थी। और आज का गेम प्ले जो है वो बहुत ही ज़्यादा धांसू होने वाला है और आज हम लोग ये बुगाटी चलाने वाले हैं पूरे के पूरे रेंगल में। आप लोगों को कौन सी वाली बुगाटी ज़्यादा अच्छी लगी, ये मास्टरपीस या फिर वो रेड वाली या फिर वो नियॉन वाली 3 कार्ड वाली, कमेंट्स में बताना जरूर। हम यहाँ पे उतर रहे थे और तभी यहाँ पे राइट साइड में एक और बंदा था जिसके पास भाई कार थी और वो भी कार लेके उतर ही रहा था और हमारी और उन बंदों की फाइट होगी वो भी बहुत ही जबरदस्त। आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो सेट। अब यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी उतरे और भाई ये इवेंट वाला मोड जो है तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है क्योंकि भाई इस मोड में लिटरली पूरे के पूरे 50 से 60 बंदे एक साथ उतर जाते हैं। और यहाँ भाई लूट भी लिटरली पूरे के पूरे 100 बंदों की रहती है, 100 बंदों को लेवल 3 की लूट गजब वाली मिल जाती है। अब यहाँ पे जब चारों कोने के टावर के पिलर जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो सेंटर वाला यहाँ पे सुपर एयर ड्रॉप खुलता है जो कि भाई उसके अंदर भर भर के लेवल 3 की लूट रहती है, AWM ग्रोजस बहुत कुछ रहता है। कुल मिला के न्यू वाला मोड बहुत ही ज्यादा ऑसम है। अब ये जो बंदा था भाई स्किन वाला जो गाड़ी लेके आया था उसने तो भाई जो ही बंदे भरे थे चारों तरफ पेटियां बना दी थी, लेकिन हम लोग यहाँ सेंटर में फंसे हुए थे। गन वगैरह तो मिल गई थी लेकिन हेलमेट वेस्ट की अभी भी कमी थी, लेकिन ऊपर वाले ड्रॉप से हमें हेलमेट वेस्ट मिल गया और हम फाइनली पीछे साइड आए। एक्सट्रीम ने यहाँ पे हमें कॉल दिया कि उसके पास गन नहीं है और यहाँ घर के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भैया कुछ गलत ही सीन होने वाला है। भाई घर के अंदर एक नहीं बल्कि 2-2 बंदे बैठे हुए थे और एक को मैंने नॉक फिनिश किया और पीछे वाले ने मुझे और स्पाइडरमैन को नॉक फिनिश किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिकॉल होकर वापस आते हैं और एक्सट्रीम की किस्मत देखो, उसको एक बंदे ने नॉक किया ग्लेशियर वाले ने और उसके बाद ऑफलाइन हो गया। भाई मैंने कहा भाई एक्सट्रीम तेरी जो किस्मत है ना लिटरली अलग लेवल की, RIP एक्सट्रीम होते होते रह ही गया था यहाँ पे। फिलहाल के लिए ग्लेशियर वाले बंदे को हमने कंधे पे उठाया और इसको अंदर लेके गए लूटा। और ये इजी चुन भाई बहुत देर से बहुत सारे बंदों की पेटी बना रहे थे तो हम लोग भी पीछे साइड आए फाइनली और सामने की तरफ बंदे थे, मैंने मार करके अपने टीममेट्स को बताया और डायरेक्ट में यहाँ पे रॉकेट से गया। सामने ओपन में एक बंदा दौड़ के आ रहा था और एक बंदा यहीं पे नीचे बैठा हुआ था मेरे। अब यहाँ पे इस टीम का आखिरी बंदा बचा हुआ था जो कि वही चुन नाम का बंदा था जिसके पास भाई साहब बहुत सारी स्किन थी और कार भी मैंने मॉली करी और ये भाई प्लस वाली मॉली देखो कितनी फैल गई, वो लेफ्ट साइड गया, मैंने उसे देखा और यहाँ पे देखो मैंने क्या किया। और इसी के साथ यहाँ पे भाई साहब ये पूरी स्क्वाड हो गई खत्म। और जिसने भी लाइक नहीं किया गाइस तो एक लाइक कर दो और जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी से। और भाई बुगाटी का किल मैसेज तो और भी ज्यादा खतरनाक है। अब हम लोग पीछे साइड गए लूट करने के लिए और तभी
need a stock. भाई ये बंदे रिकॉल हो गए, पता नहीं कहां से आ गए। मैं यहां पे राइट साइड मैप में देखता हूं, प्लेयर्स इनके एरिया 3 थे, अचानक से 4 हुए, और वो बंदा जो सामने था वो भाई वो भी यही एरिया में ही था, लेकिन वो उसका भाई प्लेयर्स इन एरिया नहीं आ रहा था। फाइनली अब आया। लो भाई अब यहाँ पे हमारा इंटरनेट नहीं खराब चल रहा था, बल्कि इन लोगों का भी इंटरनेट खराब चल रहा था, और यहाँ पे बाल बाल बचे हम लोग मरते मरते, मतलब मैं तो ऑलमोस्ट बाल बाल ही बचा। अब उसके बाद हम पीछे शॉप में जाते हैं और क्या देखते भाई, लैम्बो ग्रीन वाली पड़ी हुई थी, और ये वही बंदा लेके आया था जो आई थिंक सो पीछे की साइड से जिसने मुझे नॉक किया था यूएमपी पे। अब मैंने यहाँ पे स्पाइडर को बोला भाई ये वाली स्किन अच्छी है, बेकार है भाई, क्या बेकार, अच्छी टट्टी लग रही है की ये वाली अच्छी है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपनी बुगाटी लेके निकले, और लिटरली ये गॉड लेवल स्किन है इस बार भाई, पबजी वालों ने लिटरली मस्त काम किया। और जिन लोग को नहीं मालूम है तो भाई बीजीएमआई के रिलेटेड भी बहुत सारी न्यूज आके रखी है कि भाई बीजीएमआई 3 महीने के लिए अनबैन होने वाला है, उसके बाद गवर्नमेंट वाले देखेंगे कि भाई गेम कैसा है, क्या है, चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और उसके बाद वो लोग बैन को परमानेंट लिफ्ट करेंगे या फिर गेम को परमानेंट बैन करेंगे, वो पता चलेगा। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है वो तो हमें आगे आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप लोगों को क्या लगता है मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि जो जो चेंजेस गवर्नमेंट ने बोले थे वो तो बीजीएमआई में ऑलरेडी हो चुके थे, और ये न्यूज़ 18 में वही चीज़ें अभी बता रहे हैं वो बंदे की, लाइक ग्रीन करेंगे ब्लड को और टाइम लिमिट करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें तो क्राफ्टन ने ऑलरेडी करके रखी हुई थी जब हमारा बीजीएमआई आया हुआ था, तो मुझे ये न्यूज़ में ज़्यादा दम नहीं लग रहा। आपको क्या लग रहा है मुझे कॉमेंट्स में बताना। अब ऊपर वाले बंदे पे मैं ग्रेनेड करने जा रहा था, और तभी भाई नीचे एक बंदा खड़ा हुआ था और उसने मुझे यहाँ पे नॉक कर दिया। अब मैं बाल बाल बचा, ऊपर वाला बंदा नीचे जंप करता है, मैंने स्पाइडर को बोला भाई कवर मेरे, लेकिन स्पाइडर उसको मारने के लिए गया ओपन में और उसने उसे नॉक करके फिनिश डाल दिया। अब यहाँ पे मैं रिवाइव तो हो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक गाड़ी आ गई और पीछे के साइड से एक और बंदा आ गया। अब यहाँ पे 2 से 3 बंदे हो गए। मैंने लेफ्ट और राइट में मॉली डाल दी, उस बंदे ने स्मोक किया यहाँ पे, मुझे सामने से फुट्स आ रहे थे, मैंने ग्रेनेड खोला, एम किया एंड बूम। भाई ये वाले ग्रेनेड के लिए गाइस 1 लाइक तो बनता है, एंड ग्रेनेड ओपी इन द चैट कर दो फिलहाल के लिए। भाई बाहर के साइड से एक दूसरा बंदा आया और उसने किल चोरी करने का ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे ये वाली स्क्वाड भी खत्म हो गई। अब फाइनली हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट वगैरह करते हैं, और लूट वगैरह करके हम लोग यहाँ से जा ही रहे थे कि उसी टाइम पे पीछे के साइड से एक बंदे ने यहाँ पे किसी दूसरे बंदे को भर दिया, और ये बंदे पीछे से आ कहाँ से रहे थे मैं तो ये सोच के हैरान था। मैं यहाँ पे आया, मेरा किल चोरी कर रहा था भाई, मैंने इसी का किल चोरी कर लिया और उसको भी फिनिश कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं जोन की तरफ भाई, ये वाली बुगाटी लेके। अब हमने रेड वाली बुगाटी निकालनी थी, मगर वो वाली हम निकाल नहीं पाए थे। आप लोग मुझे कमेंट्स बताना कि आपको रेड वाली ज़्यादा अच्छी लगी या फिर भाई साहब ये मास्टरपीस ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी अच्छी लगी, और क्या आपको क्या चाहिए कि मतलब रेड वाली मैं निकालूं या फिर नहीं निकालूं, कमेंट्स में बताना। रेड वाली भी हमें निकालनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि वो रेड वाली भाई ब्लड रेवन एक्स सूट के साथ लिटरली बहुत ही जबरदस्त वाला कॉम्बो लगेगा। मुझे तो पर्सनली रेड एंड ब्लैक का कॉम्बो बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगता है। आपको बताना मुझे, आप लोग जैसे बोलोगे वैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे आए जोन के अंदर, तब यहाँ पे बोल्ड एक्शन चली, मैं डायरेक्ट ऊपर गया, नीचे से एक बंदे के फुट्स आए, सीढ़ियों से गया मैं, और ये भैया जी सीढ़ियों पे नीचे के साइड एम करके रखे हुए थे, इनको पता ही नहीं था कि भैया वेब शूटर है इन बंदों के पास, और ये ऊपर आ गए डायरेक्ट। अब उसके बाद हम यहाँ पे पीछे की साइड आए, यहाँ पे स्मोक वगैरह होके रखा था, गाड़ी घुमाई जैसे ही तो छत पे एक बंदा लेटा हुआ स्पॉट हुआ। अब ये बंदा यहाँ पे नॉक होता है तो मुझे लगा कि भाई यहाँ पे इसके टीममेट भी आसपास ही होंगे, कहीं ना कहीं कैंप कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे रुका नहीं, डायरेक्ट गाड़ी उठाई और इधर उधर मैंने गाड़ी घुमाई, और यहाँ पे अभी कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया, तो मैंने एक्सट्रीम को बोला कि ऐसा करते हैं भाई,
कि पीछे के साइड आ जा, यहाँ से निकल के जोन के साइड चलते हैं थोड़ी बहुत लूट वगैरह करके, और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जोन की तरफ निकल के जाते हैं। और यहाँ पे भाई देखना, और हाँ ये बुगाटी का किल मैसेज भी बहुत ही गजब है, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है। अगर कोई आपकी गाड़ी चोरी करके लेके जाता है, सामने बंदा स्पॉट हुआ तो मैंने इसको चढ़ा के मारने का ट्राई किया लेकिन ये बच गया, और एक्सट्रीम ने पीछे से चढ़ा दिया, लेकिन किल मैसेज में उसका नाम नॉर्मल ही आया। तो अगर जो भी आपकी बुगाटी लाइक जो ओनर है सिर्फ उसी का किल मैसेज आएगा, और बाकी कोई और बंदा अगर चला रहा होगा बुगाटी तो उसका किल मैसेज नहीं आएगा। तो ये भाई एक खतरनाक वाली चीज़ कर दी है इन लोगों ने कि आपकी अगर कोई बुगाटी चोरी करके लेके जाएगा और किसी को गाड़ी चढ़ा के मारेगा तो भाई साहब उसको किल मैसेज देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। अब उसके बाद हम यहाँ से घूम के आते हैं ये थ्री स्टोरी के साइड, और यहाँ बग्गी रुकी हुई थी, मैंने यहीं पर डायरेक्ट गाड़ी लगाई। एक बंदे की फुर्साए, एक बंदे को मैंने नॉक किया, उसके टीममेट ने यहां पे ग्रेनेड किया आई थिंक। तो अब लास्ट वाले बंदे का बस आप लोग नाम पढ़ना भाई, नाम क्या था उसका। मैंने यहां पे मॉली करी फ्लोर पे, उसके टीममेट को फिनिश किया ताकि भाई वो हमारी लोकेशन दे पाए। ऊपर मैंने एक मॉली करी, अब वो बंदा यहां नीचे सीढ़ियों पे फंस गया। बस आप लोग बंदे का नाम पढ़ना, नाम पढ़ना। मैंने यहां पे स्टेयर्स पे कर दिया ग्रेनेड, भगा वो। नाम पढ़ो बंदे का। एंड इसी के साथ एक खतरनाक ओपी डिलीशियस चिकन डिनर, जो कि भाई साहब आज का गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। बस बंदों को कुचल के मैं आप लोगों को किल मैसेज नहीं दिखा पाया, होप सो नेक्स्ट किल मैसेज आप लोगों को मैं नेक्स्ट गेम प्ले में दिखा पाऊंगा या फिर लाइव स्ट्रीम में दिखा पाऊंगा। और आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताना भाई ये आप लोग को मास्टर पीस वाला ज्यादा मस्त लगा ये बुगाटी का स्किन, या फिर ये रेड वाला ज्यादा मस्त लगा, और क्या हमें रेड वाली भी स्किन निकालनी चाहिए या फिर नहीं निकालनी चाहिए। जैसे आप लोग बोलोगे वैसे हम लोग ट्राई करेंगे करने का, और निकालेंगे तो लाइव में निकालेंगे फिर उसके बाद वीडियो भी डालेंगे। तो चिंता मत करो, आप सभी लोगों को देखने का मौका मिलेगा। मुझे तो भाई ये रेड वाली भी बहुत ही ज्यादा मस्त लगी, और मास्टरपीस तो लिटरली मास्टरपीस है ही, लेकिन रेड वाली का भी एक अलग ही अपना जलवा है। और यहां पे हम लोगों ने फिर थोड़ी बहुत रेसिंग वगैरह करी। अब मैं एक चीज सोच रहा हूं कि अभी मैं कल जब लाइव आऊंगा गाइस तो हम लोग कल एक कस्टम रूम बनाएंगे जिसमें हम लोग बुगाटी की रेसिंग करवाएंगे रेड वर्सेस ये मास्टरपीस। तो अगर आप लोग भी बुगाटी का कस्टम रूम में ज्वाइन करना चाहते हो रेसिंग वाला तो भाई कल लाइव में आ जाना 7:30 बजे से रात को 12 बजे तक हम लोग लाइव करते हैं जिस दिन भी वीडियो नहीं डालते हैं। तो मिलते हैं एक और नए कमाल के खतरनाक गेम प्ले में। टिल देन व्हाट कलर इज योर बुगाटी। तो मिलते हैं गाइस एक और नए कमाल के गेम प्ले में। टिल देन सायोनारा, थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइज। लेट्स गो फॉर 1 मिलियन दिस ईयर।